हाय गावंदा पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भारत ने टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में चाइना को पछाड़ कर निकला आगे, देखकर पाकिस्तानी और चाइना हुए पागल। टेली कम्युनिकेशन में ओ भाई सब ये तो वॉच करेंगे भाई, सब तो पता चल भी आगे निकल गया वो। ये तो वॉच करेंगे भाई इसके बारे में, फिर हम एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। वाक्य में बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत ने टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में चाइना को पछाड़ा, तो जल्दी से वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। बात करें हम इंडिया की टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट में चेंजेस करके सारे चाइनीज इक्विपमेंट मेकर को बैन कर दिया है। यानी कि इंडिया ने चाइना को पूरी तरह से टेलीकॉम से बाहर कर दिया है। जब से इंडिया ने हाथ मिलाया यूएसए के साथ और चाइना के एग्रेशंस के अगेंस्ट जवाब देना शुरू किया, तब से काफी हद तक डाउनफॉल आना शुरू हुआ है चाइना में। वहाँ की एक्सपोर्ट्स जो हैं कम हो गई हैं, वहाँ की चीज़ें जो है ना नीचे आ रही हैं, क्योंकि इंडिया अपनी डेवलपमेंट से कम्पीट कर गया चाइना को, क्योंकि अमेरिका को नजर आ रहा है कि चाइना की इमर्जिंग पावर को चैलेंज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए किसी लेवल पे तो चाइना को मीट कर सके, तो वो इंडिया है और इंडिया को वो समझते हैं कि इंडिया इज द मेजर पावर ऑफ साउथ एशिया और इंडिया की आइडियोलॉजी जो है वो हमारे साथ मिलती है, यानी अमेरिकन सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। चाइना हैज लास्ट इन श्रीलंका, चाइना हैज लास्ट इन पाकिस्तान, और चाइना की सिर्फ एक बेस है जिबूती के अंदर। चाइना सिर्फ अफ्रीका के उनके प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, बाकी हर प्रोजेक्ट उनका खत्म फेल है। डायलॉग नाकाम हो गया दोबारा, फुल मुल्क में फेल है। इंडिया और चाइना पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बात यह है ना कि चाइना से हमने चाइना से बहुत कोर कमांडर लेवल की बात करी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया ने काफी पेशेंस दिखाया। देखिए हमारे भी तरकश में तीर हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि सारे तीर चीन के पास है, हमारे भी तरकश में तीर है। हमें भी पता है चाइना को क्या करना है कि चाइना परेशान हो जाए, और वही चाइना हमें परेशान करेगा, हम चाइना को परेशान। इंडिया की टेलीकॉम। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत और चीन की बढ़ती तस्वीर के बारे में। दोस्तों आज से 10-11 साल पहले का अगर आप माहौल देखेंगे तो आपको याद होगा कि भारत के लगभग सभी मार्केट में हर जगह सिर्फ और सिर्फ चीनी आइटम ही दिखाई दे रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें खास करके, तो आपको पता होगा कि मेक इन इंडिया का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, पर आज ये तस्वीर बदल चुकी है। आज की तारीख में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो भारत ने काफी एग्रेसिव नीति अपनाई है। चीन की एप्स को भारत में बैन किया जा रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में तो चीन की कंपनियों को भाग भी नहीं लेने दिया जाता। इतना ही नहीं, भारत के लोग भी जागरूक नहीं हैं। भारत के लोग हो सके तब तक चीनी आइटम्स का बॉयकॉट करते जा रहे हैं। इसका सबका नतीजा ये हो रहा है कि चीन को बहुत तगड़े फाइनेंशियल झटके मिल रहे हैं भारत की तरफ से। इंडिया की टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट में चेंजेस करके सारे चाइनीज इक्विपमेंट मेकर को बैन कर दिया है। इंडिया ने चाइना को पूरी तरह से टेलीकॉम से बाहर कर दिया है, यानी कि 5G जो है मेड इन इंडिया होंगी इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे? जब से इंडिया ने हाथ मिलाया यूएसए के साथ और चाइना के एग्रेशंस के अगेंस्ट जवाब देना शुरू किया, तब से काफी हद तक डाउनफॉल आना शुरू हुआ चाइना में। वहाँ की एक्सपोर्ट्स जो हैं कम हो गई हैं, वहाँ की चीजें जो है ना नीचे आ रही हैं, क्योंकि इंडिया अपनी डेवलपमेंट से कम्पीट कर रही है चाइना को। मतलब मेड इन चाइना पे डिपेंड ही नहीं करें, बल्कि मेड इन इंडिया को ज्यादा प्रमोट करें। क्या कहना चाहें? अच्छा, उसकी एक रीजन ये है, बेसिक रीजन ये है, क्योंकि इंडिया बन गया बिजनेस टाइकॉन और कम्पीट कर गया चाइना को। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद कर रही हैं इंडिया में, कंपैरेटिवली चाइना। नो डाउट चाइना अपने टाइम अपने टेन्योर में बड़ा पीक पे रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया जो है वो नीचे से बहुत ऊपर जा रहा है। इंडिया डेवलपमेंट कंट्री है बेसिकली, अब वो आगे बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है कि इंडिया इनको बीट कर रही है और आगे काफ़ी टफ टाइम देगी। आईटी में स्पेशली सबसे ज़्यादा अच्छी जो है इंडिया आईटी में, जो मैं कंसीडर करता हूँ आईटी में सबसे अच्छे हैं इस वक्त। मतलब पाकिस्तान लाजमी सी बात है चाइना की तरफ खड़ा है, दलाई लामा साहब का विजिट है और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ अमेरिका को खुश करने के लिए हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा रहा है, तो ये वाकई ऐसा हो रहा है? डॉक्टर साहब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को खुश कर, अमेरिका वैसे ही बहुत खुश है। चाइना को कन्फ्रंट करना हमारे मफाद में है, इसमें अमेरिका शामिल हो ना हो। ओके सही मेजर साहब, वो तो भारत और अमेरिका के मफाद मिल गए तो जोड़ी बन गई, लेकिन ये जो खुल के जो क्वाड सामने आया है, खुल के ये सब चीजें आई, ये तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल, भारत चाइना में पपीता लगा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए भारत को ये पता है कि चाइना को क्या करने में चाइना की चीख निकलती है। भारत वो काम कर, अगर चाइना को ये लगता है कि गलवान में जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, इस दुनिया से चले गए, उसमें चाइना जीत गया, अगर चाइना को गलतफहमी तो नहीं, इस ये किस्त लेंगे और पूरे ब्याज के साथ लेंगे। दलाई लामा जो है
दलाई लामा लद्दाख चले गए तो चाइना को क्यों बुरा लग रहा है? लद्दाख तो भारत में है, तो इसमें बड़ा चाइना को प्रॉब्लम है और ये बस कुछ नहीं पपीता लगाया जा रहा है। देखिए बात यह है कि चाइना से, हमने चाइना से बहुत कोर कमांडर लेवल की बात करी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया ने काफी पेशेंस दिखाया। देखिए हमारे भी तरकश में तीर है, हाँ, बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि सारे तीर चीन के पास है, हमारे भी तरकश में तीर है। हमें भी पता है चाइना को क्या करना है कि चाइना परेशान हो जाए। चाइना हमें परेशान करेगा, हम चाइना को परेशान करेंगे, हमारे पास भी तो ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में। अमेरिका को नजर आ रहा है कि अगर उसने इस एशियन कॉन्टिनेंट में कोई चाइना की इमर्जिंग पावर को चैलेंज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए बड़ी स्टेट होनी चाहिए ना, जो किसी लेवल पे तो चाइना को मीट कर सके, तो वो इंडिया है। और इंडिया को वो समझते हैं कि इंडिया इज द मेजर पावर ऑफ साउथ एशिया, और इंडिया की आइडियोलॉजी जो है वो हमारे साथ मिलती है, यानी अमेरिकन सेकुलर और डेमोक्रेटिक। भाई जहर सी बात है, भारत अब भाई पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन आज उन्होंने फटका लगाया टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में, उनको पछाड़ के पीछे मार दिया और भाई खुद अपने आप पर उन्होंने भरोसा किया कि हाँ हम ये सब काम कर सकते हैं और उनकी कंपनी को बैन कर दिया। ये देख बहुत बड़ी बात है, देखो कोई करता आज है? कितना बड़ा फटका भाई चाइना को पड़ा है, आप इस बात का अंदाजा लगाओ। टेलीकम्युनिकेशन रीढ़ की हड्डी है किस्म की देश को, आज भारत ने चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बिल्कुल, यही पैसा लेके कमा के जाते थे इंडियन से अरबों डॉलर, आज वो खत्म कर दिया और अपना कब्जा कर लिया। वही, और ये भाई क्यों कि भाई भारत टेलीकम्युनिकेशन में वाकई में बहुत बड़ा बहुत काम है, है। बहुत आगे और देखो आज भारत ने ये काम करके चाइना की कमर तोड़ दिया। तो यकीन मानो ये भारत का बहुत ही बड़ा स्टेप है। कोई बंदा, कोई मोलो कैसा काम कर सकता है, चाइना की कंपनी को बैन कर सकते हैं, उनके लाइसेंस मंसूख कर सकते हैं, ये सिर्फ इंडिया में दम और मोदी जी में दम। और आज वो दम उन्होंने पूरा करके दिखाया, आज उनको बैन करके दिखाया। आज मोदी जी ने जो इंडिया कहता था कि भाई हम इनकी कमर तोड़ेंगे, आज इंडिया ने वो काम कर दिया, आज वो मोदी जी ने काम कर दिया कि इनकी कमर तोड़ दी। वजह देश में इंडिया को, चाइना को काउंटर करने के लिए एक इंडिया ही है। वही ना, और भाई बात की पाकिस्तानी बात करते, चाइना अमेरिका को खुश करने के लिए इंडिया कर रहा है, इंडिया बेटा अपने आप को खुश करने के लिए काम कर रहा है। इंडिया किसी के वो इशारा पे नाचता नहीं, हम पाकिस्तानियों की तरह, हम पाकिस्तानी नाचते हैं तो हम समझते हैं कि और भी नाचेंगे, ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है। इंडिया किसी मुफाद के लिए काम नहीं करता, अपना मुफाद देखता अपना है और अपना फैसला खुद करता है। वही ना, और उसने आज किया और आज उसने पूरे चाइना की लगा, पाकिस्तानी की बातें तो सुनते रहो, ये तो करते रहते हैं बातें। हाँ ये तो करते रहते हैं, इनका तो बात ही ऐसी है, बात ही ऐसी है, वाकई में कोई शक की बात नहीं। और दूसरी तरफ जो किया इंडिया ने, वो कसम से आज बहुत चौंका देने वाला था कि देखो आज इंडिया इस जगह पे खड़ा हो गया कि आज इंडिया ने उनकी मार दी। दस साल पहले इंडिया में नामो निशान नहीं था मेड इन इंडिया का, और भाई टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में नाम भी नहीं, उसमें भी नाम नहीं था, नहीं था। लेकिन आज भारत ने क्या किया, घुमा के फेर के मारा चाइना को। वही ना, और वाकई में 10 साल पहले इंडिया का कोई भी एक हमें इतना ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये जब मोदी जी आया ना, इसके बाद मतलब भाई साहब ऐसा चमका है भारत ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा। टेलीकम्युनिकेशन में पिछाड़ना चाइना को बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने पिछाड़ा। वही ना, हमारे यहाँ के टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज वगैरह सारी चाइना की है। मेरे हमारे पास जो भी चीजें आ रही है, मैं भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं हूँ, हमारे पास सारे मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना आ रहा है, मेड इन चाइना। छोटी सी भी चीज है, तार भी है ना, तार दो तार वायर होती है, उसमें मेड इन चाइना लिखा। और देखो आज इंडियन है उसी मेड इन चाइना के पिछवाड़े पे लात मारी, लाअंदाज़ा। और अपना आज मेड इन इंडिया पूरे भारत में ये लोग अब चलाएंगे। एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया की मार्केटों में मेड इन इंडिया होगा, यकीन मानो। ये मेरी बात याद रखना, चाइना का हाल किया ना, यकीन मानो आज उनको नींद भी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।